लव इन्फिनिट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ आज शुरू करते हैं एक बार फिर से आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि आपका क्वेश्चंस है, टीना गोस्वामी जी का क्वेश्चन है कि जिससे शादी हुई है क्या वो कार्मिक है? जिससे आपकी शादी हुई है क्या वो कार्मिक हैं, आप ये पूछना चाहती हैं। देखिए, कार्मिक के लक्षण तो आपको दिख ही जाएंगे, पता ही चल जाएंगे कि कौन क्या है, कैसे हैं, किस तरह से बोलते हैं, क्या करते हैं, आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर अभी भी नहीं पता चल रहा है तो फिर देख लेते हैं। टीना गोस्वामी जी का सवाल है कि जिनसे शादी हुई है तो क्या वो कार्मिक हैं, इस पर वीडियो देख लेते हैं। और साथ ही नेक्स्ट सवाल भी है, आगे देख लेंगे। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली 1500 रुपीज़ फॉर एन आवर, पूरा एक घंटा आप और मैं पूरे अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। गाइडेंस मिलेगी, ओरेकल गाइडेंस भी मिलेगी, टैरो गाइडेंस भी मिलेगी, प्लस मेरे अपने एक्सपीरियंस भी, तो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, है कि नहीं। नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर एंड द टेम्परेंस एंड द जस्टिस All are major arcana cards. देखिए यहाँ पर यही कार्ड्स इस तरह के दिख रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से कार्मिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये ज़्यादा ही गुस्से वाले हैं और हर तरह से अपनी ही बात को मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप परेशान हो जाती हैं कि बार बार ये अपनी ही बात क्यों मनवाते हैं, तो इसलिए आपको लगता होगा कि ये कार्मिक है। असल में ये कार्मिक तो नहीं दिख रहे, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैं, प्लस सेल्फ मेड पर्सन हैं, प्लस थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हैं, लेकिन अब बैलेंस बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हाँ चलो, कभी कभी प्यार से बोल लेते हैं, कभी कभी फिर बहुत पूरी तरह से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी में, हाँ, लेकिन कभी खुश मिजाज रहते हैं तो अच्छे से ही आपके साथ बिहेव करते हैं और चैरिटी में भी विश्वास रखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ बातें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं, लेकिन कार्ड्स तो आपको यही बता रहे हैं। आपकी शादी ठीक ठाक चल रही है और लेकिन अभी भी आपको कुछ लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग। शादी आपकी अच्छी चल रही है, घर है, परिवार है, बच्चे, पैसा है, हस्बैंड भी ठीक हैं, थोड़ा गुस्से वाले हैं, किसके नहीं होते हैं, सबके होते हैं। हस्बैंड सोचते हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल करते रहते हैं, खुद को तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं पूरे परिवार को कंट्रोल करने चलते हैं। चलिए छोड़िए, मेंटालिटी को हम बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो चलिए, तैयार है ना आप सभी बहने भाई लोग तो ऐसे ही रहते हैं, ये तो अपना ही गुस्सा दिखाएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, दूसरों को हम नहीं बदल सकते हैं, तो हम लेडीज़ को ही बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर के ईगो को निकालना होगा, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना होगा, एक दूसरे से जलसी नहीं फील करनी होगी, फिर देखिए यूनिटी किसकी बनती है, किसकी बनती है, लेडीज़ की। ऑल आर लेडीज़ में जितना दम है, इतनी ताकत है, फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि हर चीज़ वो संभाल लेती हैं, घर बाहर सब कुछ। अभी जो मैं ये देख रही हूँ कि आपको ये अकेलापन लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, उसके लिए ये कार्ड निकाला है। ओह माय गॉड, आपको ऐसा लग रहा है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत तकलीफ हुई है आपको, ऐसा लगा है कि आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है, तो शायद इस वजह से आप तकलीफ में हैं, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा है कि जिनसे शादी हुई है वो कार्मिक तो नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि देखिए ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है टीना जी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये आपकी थोड़ी सी गलतफहमी भी हो, कई बार हम शक बहुत करते हैं ना लेडीज़, इस वजह से भी हो जाता है। अब आप मैरिड हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेकिन इस शादी से खुश बिल्कुल भी नहीं हैं, तो देख लेते हैं अगर आप खुश नहीं हैं तो आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ओह, यहाँ पर एक कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ पर ये कार्ड स्पेशल इसमें से छुपा हुआ था, ये आया है कि आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, कि आपको अपने किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर होना होगा। प्लस ये देख रहे हैं ना कि एक सनफ्लावर उन्होंने हाथ में ले रखा है, इसका मतलब है कि प्यार और खुशियाँ
को भी बैलेंस करना आ रहा है आपको, प्लस अपने लिए जस्टिस लेना भी आ रहा है। आप न्याय कर सकती हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। यहाँ आपको अपने लिए कदम उठाना ज़रूरी है। इस तरह का कार्ड ये दिखाई दे रहा है, आपको यही करना चाहिए। ना तो दूसरे पे ब्लेम करें, ना ही अपने हस्बैंड पे ब्लेम करें। तो ऐसा क्या है कि जो आपको खालीपन लग रहा है, ठीक है, आप खालीपन भरने के लिए ये योगा, मेडिटेशन, अपनी अच्छी हैबिट्स को अपना सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को अच्छा इनकल्केट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं प्लस ट्विन फ्लेम भी हैं, ऐसा अनमैरिड के साथ ट्विन फ्लेम आपके अनमैरिड हैं, तो क्या होगा, ये आगे आता है इनका सवाल। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है कि आप मैरिड हैं, हस्बैंड कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं और आपका अनमैरिड के साथ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन वाला एक रिलेशनशिप है, तो ऐसे में आप डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड हैं, तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए ग्राउंड बनाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। उन्हें भी किसी भी तरह की सुध-बुध नहीं रह गई है, वो सोच रहे हैं बस अब जो भी हो, अब मैं किसी से डरने वाला नहीं, ऐसा है। क्योंकि जो लोग इनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं ना, वो उनके नीचे ही हैं, ये उन लोगों से काफ़ी ऊपर हैं। थोड़ा सा पैसे के लिए भी चिंतित रहते हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है वो अदर सिटी में रहते हों या फिर फॉरेन कंट्री में रहते हों। ये जनरल रीडिंग है, आपको रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, प्यार रखते हैं। और क्या करते हैं, देखा, ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि या तो अदर सिटी में है या फिर बाहर रहते हैं, या फिर इन्होंने ये कहा है आपको कि हम दोनों मिलकर बाहर सेटल हो जाते हैं, तुम इन्हें छोड़ दो क्योंकि ये कार्मिक है। हो सकता है इन्होंने ही ये शब्द आपके दिमाग में डाला हो, तो आपके दिमाग में इस तरह के शब्द आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यही बता रहे हैं, आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी सब कुछ छोड़कर मेरे पास आना होगा। ऐसा यहाँ नहीं कर सकते हैं, हम कहीं बाहर विदेश में चलते हैं, किसी और कंट्री में। हो सकता है आप अभी इंडिया में ना हो, किसी और कंट्री में हो, तो वहाँ से भी अदर कंट्री में जाने की सोच सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ही आपसे कहा हो कि चलो हम कहीं और सेटल हो जाते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहे हैं कि एंजल्स का भी यही मर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा है क्या, रियली? नाइट ऑफ वांड्स, यहाँ आपके जो DM मुझे दिखाई दे रहे हैं अनमैरिड हैं, आपसे उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन उम्र से कुछ नहीं होता, काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है इन्होंने, और लेकिन आपसे बहुत प्यार भी करते हैं बहुत प्यार करते हैं, फिजिकल भी बहुत लव है, साथ ही साथ वो यही चाहते हैं कि दोनों मिलके कुछ नया क्रिएट करेंगे। चलो चलो, और क्योंकि उम्र में छोटे हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी मचा रहे हैं कि चलो चलो जल्दी करो, बस करो, जल्दी छोड़ो, इतना कब तक तुम सहती रहोगी, ये वो बहुत कुछ बोल रहे हैं आपको। अभी पीछे पड़े हुए हैं, फिर जब आप उनको चेस करेंगे तो वो भागने लगेंगे, ये भी दिक्कत रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए कि कहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए, ये थोड़ा सा देखिए। फोर फोर सेवन सेवन सिक्स सिक्स, हो सकता है एंजल नंबर्स भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हों, 444 66 99 इस तरह से, या 6 9 3 6 9 9 6। एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो ऐसे ही हालत में इनको क्या करना चाहिए, ये मैरिड हैं और अनमैरिड ट्विन फ्लेम हैं, तो क्या अनमैरिड ट्विन फ्लेम जो हैं, क्या वो वापस आएंगे? स्नेक ट्रम एंड द स्ट्रेंजर, स्नेक यहाँ पर यही बात आ रही है आपके लिए कि अपनी ओल्ड शेड को हटा देना होगा, जैसे एक सांप अपनी केंचुली को हटा देता है ना, इसी तरह से आपको भी अपनी इस एनर्जी को हटाना होगा अपने आप से। कौन सी एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे आपको दूर होना पड़ेगा जल्द से जल्द। देख रहे हैं ना यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये सभी ट्राइंगल्स हैं, अष्ट सिद्धि का भी जो तक है ये,
ये फेमिनिटी का भी रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सर्कल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अपनी कुंडलिनी को अवेकन करें, अपनी नेगेटिविटी को ऊपर की तरफ सरफेस पर लेकर आएं, अपनी फेमिनिटी को जगाएं, साथ ही साथ लॉजिक को भी एक हाथ में रखें। मतलब सिर्फ इमोशनल होके ही बह बह के, इमोशन में ही बह के काम नहीं करने हैं। हाँ, मुझे उनसे प्यार है तो चल पड़े, सब कुछ देखना है, अपना भी, घर भी, अपने आगे की फ्यूचर भी, और अभी आप क्या हैं और क्या कर सकती हैं, क्या इस स्थिति को सुधारा जा सकता है जिस करंट सिचुएशन में आप हैं, या मैरिड लाइफ में आप हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन का ही वेट कर रहे हैं तो ये कब तक आ सकते हैं। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हो सकता है आपको ड्रीम में समझ में आ जाए वो, कि वो ड्रीम जर्नी भी आपकी चल रही है ना, ड्रीम में आकर वो कह रहे हों कि चलो कहीं बाहर चलते हैं या भाग चलते हैं, छोड़ दो ये लाइफ, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये कार्मिक है, चलो चलो हम दोनों मिलके कुछ एक अपना नया जहां बसाते हैं, कुछ इस तरह का उनका आपको कोई ड्रीम आया हो, सपना आया हो, तो हो सकता है कि वो ऐसा ही कहना चाह रहे हों। स्ट्रेंजर सेट योर साइट हाई, यहाँ पर ये भी आ रहा है कि क्या वो वापस आएंगे, तो हाँ वो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना गोल को पूरी अच्छी तरीके से हायर सेल्फ में लेकर आए हैं और आगे बढ़े हैं, सेट कर रहे हैं अपने गोल को, आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये सही है। अब ये आगे का बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, कार्मिक को छोड़कर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जाना है, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है, या फिर जिसे कह सकते हैं कि आपका जो पैशन है उसे आपने आगे बढ़ाना है, इस पैटर्न में आपको चलना है, या फिर डीएम के साथ जाना है, उस चीज़ को आप आगे बढ़ना कहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपने किस वे को सक्सेस माना है। देखिए, जैसे सबके लिए सक्सेस अलग अलग होती है ना, उसी तरह से सबके लिए एक सही समय या एक यही सही है, यही सही है ये सिचुएशन, इस तरह से सोचना या बोलना वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो इस समय आपने कितना भुगत चुके हैं कार्मिक के साथ, या वाकई कार्मिक हैं, या आपके अंदर की ईगो है, ये सब कुछ पहले सब कुछ आप नोटिस करें, उसके बाद ही देखें, अपने नेगेटिव साइड को भी देखें, डीएम के ड्रीम्स आते हैं उनको भी देखें, और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते रहें, तो ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिससे आपकी शादी हुई है, ये हो सकता है कि वो आपके कार्मिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और डीएम के वापस आने के चांसेस हैं, ये आपको ड्रीम में आके बता सकते हैं कि मैं इतने दिन में आऊँगा, मैं इस तारीख को, कई बार डेट्स भी सुनाई देती हैं ड्रीम में, दिखाई देती हैं, या ये भी होता है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर डेट या मंथ इकट्ठे आ जाता है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कब आ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इतना ही बता सकती हूँ, अदरवाइज़ आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।